डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बहुत उत्साह चारों तरफ दिखाई दे रहा है और मतदान की जो तारीख है, सच बताऊं तो उत्तराखंड में लोग उस मतदान की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 जून को हमारे यहाँ से 5 सीटें जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने हमको व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद करी और उसके कारण से हमको 1700 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वहाँ के रख रखाव के लिए, वहाँ के मेंटेनेंस के लिए और अन्य चीज़ों के लिए वहाँ पर हमको मिला है। लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार जो है उत्तराखंड में नामांकन किए जा रहे हैं, इसमें हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति है अगर उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का और भाजपा का जो नारा है 400 पार का, उसको किस तरीके से आप उत्तराखंड में देखते हो और आप लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय अगर बात की जाए चुनाव की? पूरे उत्तराखंड में इस समय बहुत ही जोश का और उत्साह का माहौल है। होली का त्यौहार हो रहा है, लोगों में बहुत उत्साह चारों तरफ दिखाई दे रहा है और मतदान की जो तारीख है, सच बताऊं तो उत्तराखंड में लोग उस मतदान की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे होली का त्यौहार हो रहा है वैसे ही मतदान का जो पर्व है वह भी होगा। और अभी होली हो रही है, 4 जून को हमारे यहाँ से 5 सीटें जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दिवाली होगी इसकी। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो भाजपा का जो दल में लोग शामिल हो रहे हैं, अन्य दलों से टूट करके लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोग ले रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार आपने भ्रमण किया, जगह जगह आप जा रहे हैं और लगातार जो है नामांकन किए जा रहे हैं। नामांकन के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बहुत लोगों का उत्साह है, लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज भी मैं देहरादून में टिहरी लोकसभा के नामांकन में था, रोड शो था, जिस प्रकार से लोगों ने सड़कों पर आकर, घरों की छतों पर आकर माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, पूरा एकदम भाजपा में ही बना दिया है। सब लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, हर एक व्यक्ति, क्योंकि इस समय पार्टी से बढ़कर भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पौड़ी में था, वहाँ भी लोगों में बहुत जोर का लोगों में जोश था और कोई संदेह नहीं है कि इस बार की जो विक्ट्री है वो बहुत ऐतिहासिक होगी और पहले से अधिक मार्जिन की होने वाली है। और हमारा लक्ष्य भी है कि भाई हर एक सीट 5 लाख से अधिक मतों से जीती जाए। सर, अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो स्टार प्रचारकों में कौन कौन बीजेपी के बड़े लीडर शामिल होने हैं और क्या प्रधानमंत्री अमित शाह जी और अन्य जो बड़े लीडर है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, कब तक ये आ जाएगी लिस्ट और कौन कौन यहाँ पहुँच सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो पूरे देश में हर जगह बहुत मांग है और उत्तराखंड में तो विशेष कर से, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार की तरह मानता है और हम सब लोगों ने देखा है, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने, कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है, तो उनकी मांग होना स्वाभाविक है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हर बार उनका कार्यक्रम लगता है, हम लोगों ने उनकी सुविधा अनुसार वो कार्यक्रम केंद्रीय जो हमारा जहाँ से कार्यक्रम तय होते हैं वो तय करेंगे। और मैं समझता हूँ अन्य भी जो हमारे हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, चाहे गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे अन्य बहुत सारे लीडर हैं, उन सभी की यहाँ पर बहुत डिमांड है सबकी और आएंगे, कार्यक्रम लगेंगे सबके। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 5 सीटों जीतने का आप दावा कर रहे हैं कि फिर से हैट्रिक यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, तो जो सरकार के कार्य है वो और जो चुनाव है उसमें किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। चाहे जो हमने चुनावी जो हमारा वायदा था UCC विधेयक के रूप में राज्य में लागू करना, विधेयक लाना,
उसको पारित करना, वो सब हमारा चुनाव का वादा पूरा हो गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और जल्दी वो लागू होगा। मातृशक्ति का 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हमने विधेयक लाकर वो भी उसका भी प्रावधान कर दिया है। नकल एक बहुत बड़ा राज्य के अंदर बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँ कि मेहनती और होनहार युवाओं के भविष्य पर लगातार धोखा कर रहा था, लगातार उनके साथ उनकी जो मेहनत है उसके साथ चीटिंग हो रही थी, वो आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। और पिछले 2 सालों में 22 सालों के बराबर नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और सारी की सारी बहुत पारदर्शी तरीके से हुई हैं, निष्पक्षता से हुई है। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एक परीक्षा में नहीं, एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, दूसरी में भी हुए हैं, तीसरी में भी हुए हैं, चौथी में भी हुए हैं, 5-5 परीक्षाओं में 5-5 जगह एक एक का चयन हुआ है, एक का चयन 5 जगह हुआ है। तो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है, एक बड़ी मैं कहूँगा कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ यहाँ धर्मांतरण पर भी हम विधेयक लेकर आए हैं, सख्त कानून हमने बनाया है, अतिक्रमण हटाने का काम भी राज्य के अंदर हुआ है, दंगा रोकने के लिए दंगा निरोधी कानून भी हम लेकर आए हैं, इन्वेस्टर ग्लोबल सबमिट भी हमने राज्य के अंदर किया है, इसमें 3,54,000 करोड़ के MOU हुए हैं, बहुत सारे 30 से ज़्यादा नई नीतियों को भी हम प्रचलन में लाए हैं। हमने अनेक नई नई नीतियाँ ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग इन सभी क्षेत्रों में किया है, होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पर्यटन के क्षेत्र में अनेक योजनाओं को हम लाए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हम कर रहे हैं जिससे कि राज्य का तेजी से विकास हो। हमने वृद्धावस्था पेंशन जो परिवार में पहले एक बुजुर्ग को मिलती थी, दोनों बुजुर्गों के लिए, परिवार के दो दंपत्ति अगर परिवार में दो बुजुर्ग हैं तो दोनों को अब ये पेंशन की व्यवस्था हमने की, 1200 से बढ़ाकर 1500 करी है। भोजन माताएं हों, अन्य हमारे राज्य कर्मचारी हों, सबके साथ हमने संवाद करके जो यथासंभव उनकी चीज़ें हो सकती थी उन सभी को करने का प्रयास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हम काफ़ी सारी योजनाएं हमने धरातल पर उतारी हैं, कुछ को आगे उतार रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम इसकी तर्ज पर मानसखंड के अंदर भी हमारे जो मंदिर हैं धार्मिक स्थल हैं उन सभी का हम विकास कर रहे हैं। आदि कैलाश हमारे प्रधानमंत्री जी की इस बार यात्रा हुई, उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में तीर्थाटन के क्षेत्र में ये क्षेत्र भी पूरे देश दुनिया की नज़र में आया है, वहाँ भी लोगों का आना बड़ी संख्या में आज बुकिंगें वहाँ के लिए शुरू हो गई हैं। तो ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं, हमने 2 सालों में बहुत सारे निर्णय लिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और भविष्य के लिए एक खाका भी खींचा है। राज्य की जो GSTP है, राज्य का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, आर्थिकी है, वो दुगनी हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ के जो MOU हुए थे उसमें से 81,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो गया है। राज्य में समय समय पर जो आपदाएं आई हैं उनका भी ठीक प्रकार से, जैसे जोशीमठ की एक बड़ी आपदा हमारे सामने आई थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने हमको व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद करी और उसके कारण से हमको 1700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वहाँ के रख रखाव के लिए, वहाँ के मेंटेनेंस के लिए और अन्य चीज़ों के लिए वहाँ पर हमको मिला है। चिलकारा टनल भी हमारे राज्य के अंदर एक बड़ी आपदा आई थी, हमारे 41 मजदूर भाइयों को हम सबके सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन सबको हम सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। ऐसे अनेक काम हम लोगों ने किए हैं, पशुधन का क्षेत्र हो, आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो या स्वयं सहायता समूह हो, हमारी जो बहनें स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, अपने स्थानीय उत्पाद बनाती हैं, उनको उनके उत्पादों को बाजार मिले, उनको लिए स्थान मिले, जहाँ हाउस ऑफ हिमालया जो ब्रांड है वो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शुभारम्भ करवाया, वहीं पिछले वर्ष दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना हम लेकर आए और ये एक हमारे लिए बड़ा
गेम चेंजर होगा। लखपति दीदी बनाने का हम कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य के अंदर लाभार्थी सम्मेलन हो या मातृशक्ति के उत्सव हो, उसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने आकर हमारा प्रोत्साहन किया है। और आगे भविष्य की क्या तस्वीर होगी, उत्तराखंड किस दिशा में जाएगा, देश किस दिशा में जाएगा, ये उसकी एक भावी तस्वीर हमारे सामने आई है। और कहीं ना कहीं आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। इस बार मातृशक्ति ने भी ठान लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड से 5 सीटें बड़े अधिक मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और होली के साथ 4 जून को दिवाली होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि भारी बहुमत के साथ जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है उसको फिर से जीतने जा रहे हैं और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी कुणाल अरोरा के साथ राहुल सिंह हल्द्वानी।